मैं बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठिए आराम से, बैठिए प्लीज। इनका नाम लिया तो क्षमा कर दीजिए, आप बैठ जाइए, आप चलिए। नहीं झूठ मूठ किया, बैठिए आप, इसके चक्कर में मत रहिए, बैठिए बैठिए। सर आपने कहा कि पूरे देश में संपूर्ण विपक्ष को हम एकजुट करेंगे, संभव प्रयास करेंगे 2024 में जिनको हराने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा प्रयास करेंगे, जो लोग हमारे साथ मिलके आएंगे मिलके चलेंगे, जो नहीं आएंगे उनको छोड़ के चलेंगे। 2024 में हराने की बात कर रहे हैं, उनके पास एक चेहरा है, चेहरे के सवाल पे आप कह रहे हैं कि हम बैठकर वार्तालाप करेंगे, उसमें चेहरा निकलेगा, बिल्कुल। क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे? ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ, अब चलिए, मैं कहूंगा तो कोई विरोध करेगा, मैं कहूंगा तो कोई विरोध भी करेगा। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं, हमको बैठने दीजिए, बात तो करने चाहिए। एक मिनट बैठ जाइए, मैं बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठिए आराम से, इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होगी, विपक्षी एकता में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, राहुल गांधी क्या प्राइम मिनिस्टर के दावेदार रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि अरे ये सब सवाल काहे के लिए, राहुल गांधी देखिए ऐसा है, सिंपल बात है, मैंने साफ कह दिया कि आप होशियार है, मैं आपसे भी होशियार हूँ, मैंने कह दिया है, मैंने बता दिया है, मैंने उनका नाम लिया तो आप बैठ जाइए। ऐसा है, हम जरूर बैठेंगे, भाजपा के जितना विरोधी दल है इस देश में उनको सब एकजुट करने के हर संभव प्रयास हम करेंगे। अब इससे बढ़िया बात आपको क्या कहें? इसके बाद में बैठक में सर्वानुमति से, सर्वसहमति से जो बात निकल कर आती है वो विस्तार रूप में हम आपको बताएंगे, बिकॉज बिना ब्राह्मण के कोई शादी होता ही नहीं है, आपके बगैर कोई चीज हो ही नहीं सकता। अब चलिए, नहीं झूठ मूठ किया, आप इसके चक्कर में मत रहिए, अरे ये सब छोड़ दो, आप बैठिए ना सर, बैठिए प्लीज। सब के बारे में कह रहे हैं कि सबको हम लोग यूनाइट करने की कोशिश करेंगे, जी बैठिए ना, हाँ हो गया, चलिए ना छोड़िए जी। अरे ये कह रहे हैं कि सबको अपोजिशन को यूनाइट करने की कोशिश हम लोग करेंगे, तो हम लोगों की राय है, बात है, सबको मिलके करेंगे, इसलिए अभी क्या पूछ रहे हैं कि क्या होगा। अरे इतना अच्छा आपको बोल दिए सब तरह से, चलिए।